ये औरतों को क्या तबीस हुआ है? क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? लंबरदार, डाकू राका हमारे घरों को लूट रहा है। राका आपके घर को लूट रहा है? कहाँ की रहने वाली है? सांगीपुर से। सांगीपुर से? सांगीपुर से किसके घर की? रमेश के। कौन हो? रमेश की दुल्हन है। तू? और ये कौन है? बगल में रहा था। अच्छा अच्छा, वैसे बगल ही हट लागा था। अब तू कहाँ की रहने वाली? मैं यही की रहने वाली हूँ। अरे किसके घर की? मैं घर मालकिन की दुल्हन हूँ। घर मालकिन का दुल्हन की? घर मालकिन है ही नहीं। मैं घर मालकिन के दुल्हन हूँ। कहा था घर मालकिन का दुल्हन है? नहीं, घर मालकिन। हम इसीलिए डाकुओं पर भरोसा नहीं करते। देखा, खत कहीं और देते हैं और डाका कहीं अब डालते हैं। एक काम करो, अपनी पुलिस फोर्स पूरी पूरी पुलिस फोर्स लेकर इनके सबके घर में जाओ। देखो वो राका साला है कहीं। खड़ा हो, बता दे परिंदों से कि हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं? हम लोग तुम्हारे बाप हैं। हमारे बाप क्यों ठाकुर? पुलिस वालों को बहुत बेवकूफ बनाया। आप हमारे बाप हैं? मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन अम्मा तो लंगड़ी। आज साले जितनी रंगबाजी है, जितनी गुंडाई है ना, आज पूरी ठकुराई तुम्हारे गांव में घुसेरता हूँ। रुकिए अभी बताता हूँ। पहचानो नहीं है? पहचान जाएगा। अपनी मौत को नहीं पहचानता, पहचानेगा तो कभी। याद कर, तुझे सब कुछ याद होगा। और जलाया है मेरे घर को तेरा घर। हमारे विकास भैया, विकास विश्वकर्मा इसी गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके आप लोगों का कपड़ा उतरवा कर मारा है, उसी तरीके इनको मारिए, इनकी पूरी ठकुराई इनके गांव में घुस दीजिए। वैसा ही होगा। हमारे बाबू विश्वकर्मा जी, हम उनको उनको भी मारे हैं क्या? उनके इलाके में अत्याचार तो कर रहे हो? अत्याचार? अत्याचार नहीं तो तुम अपने घर में चलो अत्याचार।
तुम लोगों की वजह से आज भी हमारा समाज कितना पीछे पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, गिरता जैसे कि पहाड़ गिर पड़ा हो। हाँ जी, हाँ तो ये आ गए हमारे पंकज भाई, जो कि ये मठिया गोसाई की मठिया के रहने वाले हैं। 20 रुपए भेज रहे हैं, कहते हैं जैसे तुम्हारे लोगों के बदन पे कपड़े नहीं रह गए हैं, सारे कपड़े उतरवा के तब पिलाई करिए। चलो हो हटो, याद कर कभी ने मेरे घर को जला कर, हम दोनों भाइयों को कपड़े उतार कर घर से भी घर किया। अरे भूल जाओ, नहीं कौन भूलेगा कुत्ते, उतारो उनके कपड़े शालों के, उतारो कपड़े। मुझे सब कुछ याद है, हमारी बहन को पहला फुसला कर तुम दोनों ने अपनी हवेली में पानी भरने के बाद छोड़ो बुलाया। हम लोग और हमें का शिकार तुम, उनका कहत रहे कि लखनऊ निकल जाओ, लखनऊ ट्रेन आवे वाली है, ना टिकट मिले लेटरिन में घुस के पेल जा। कहाँ भेज रहा है इसको, कह रहा है लखनऊ जा रहा है, आदम तो काला थोड़े बचा। और गुरु नजर वाले तेरा दिल है तेरा काला, भाई साहब की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। कहना क्या है, आदेश यही है कि इसको साड़ी पहना दो और उसे ढोल बजवा दो।
मौत तेरा इंतजार कर रही है कमीने, अगर बचना चाहता तो इस हवेली की दहलीज को पार कर जाएगा तो सब दिल बच जाएगा। भैया राकेश उर्फ राका, हाँ इंस्पेक्टर साहब, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैंने तो कहा था कि बदला चुकाने के बाद अपने आप को खुद कानून के हवाले कर दूंगा। विशाल, अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जरूर, क्योंकि कानून के नजर में मुजरिम। हाँ, कैसी सजा मिलनी चाहिए? ऐसी सजा दो, इसके हाथों में ऐसी हथकड़ी डालो कि जिस हथकड़ी से ता उम्र इसकी मुक्ति ना मिल सके। तो ठीक है, लता का हाथ इसके हाथ में दे दो, क्योंकि एक दूसरे को चाहते भी हो। लता शायद अगर इसकी सजा तुम भी सुना दिए तो लता छुड़ा लाएगी, मुझे मालूम है। क्यों लता, कौन सी सजा दिलवाना चाहते हैं? इसकी सजा, तुम्हारी सजा यही है कि जिंदगी भर तुम भुगतते रहो, अपनी सजा काटते रहो। मुझे मंजूर है। तो ठीक है, लता की और राकेश की शादी कर ली जाए। हमें मालूम हो चुका है कि अंजू और तुम में बहुत बड़ा प्रेम है, ये तो आप काफी दिन से जानते हैं, तो तुम्हारी भी शादी कर दी। अंजू, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इस रिश्ते को कभी ठुकराना नहीं, ठीक है ना? बोल दो शंकर भगवान की। खाओ करो, आपस में सब लोग बातें करो। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के